squeeze with his eyes. Come in around to meet them, girl, roll out them eyes. तो अभी आए हैं मारुति की वर्कशॉप में, देखते हैं गाड़ी का क्या स्टेटस है। तो अभी बात हुई है, वो बोल रहे हैं एक दो दिन में लगेगा, अभी पार्ट आया नहीं है, ऑर्डर लगा रखा है इन्होंने। ये देखो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी देखने के लिए आया था यहाँ, और ये देख लो गाड़ी में मैंने मीटर में चाबी लगा रखी है, और मीटर में कोई लाइट वाइट नहीं है। ये देखो कैसे सुई, ये देखो कैसे आवाज आ रही है। अंदर देखो कितनी धूल मिट्टी है, ये देखो सीट पे, ये देखो कैसे मिट्टी है, ये देखो क्या हाल हो रहा है। ऐसे स्टडी ओड बना रखी है गाड़ी बिल्कुल। एसी इन्होंने ऑन छोड़ रखा था यहाँ गाड़ी में, ये देख लो गाड़ी की क्या हालत कर रखी। सारी गाड़ी मिट्टी में हो रही है, पूरी गाड़ी की बिल्कुल गिद पीट रखी है इन्होंने यहाँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ चुका हूँ मारुति के वर्कशॉप पे, और ये देखो खिड़की वगैरह पेंट हो गई है, रबिंग रह गई अभी हमारी। तो ये भी पूरी डोर चेंज हो गई, और ये भी हो गई साइड का फेंडर आगे का, और गाड़ी है रेडी। वैसे अंदर से फिटिंग विटिंग इन्होंने कर दी, ये हल्का सा इनकी खिड़की में है ना, बाद में इंश्योरेंस में क्लेम लेने के बाद। ये देखो यहाँ जो ये है ना सीलिंग जो है ये खिड़की की, ये अजीब सी आती है, जो ओरिजिनल रहती है ना उसकी अलग बात है, इनकी अलग बात है, ये तो ऐसे ही रहती है। बाकी ये है गाड़ी के अंदर, अभी इसको वॉश वगैरह करवाएंगे, और ये रबड़ वगैरह की फिटिंग वगैरह पूरी आई गई जैसी रहती है। ये तो दो चार बार साफ करेंगे तो ठीक हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी सी एडजस्ट करानी पड़ेगी, आपस में टच हो रही है। ये देखो यहाँ से है ना ज्वाइंट भी खुला हुआ है, तो इसको अभी करवाएंगे। बाकी अभी तो थोड़ा सा पता लग रहा है कि यहाँ से पेंट हुई है, पर इसको साफ करेंगे तो तब पता लगेगा, अभी तो फर्क पता लग रहा है अलग से ही कि ये पेंट है। बाकी कुछ टाइम के बाद ये अपने आप मैच हो जाएगा, अभी तो आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा ये बिल्कुल वाइट है, ये थोड़ा वॉर्म वाइट है, तो बाकी देखते हैं। तो ये सेकंड डे की वीडियो है, हमने दोबारा पेंट करवाया, अब देखो अब बिल्कुल मैच हो रहा है। तो वॉशिंग पे गाड़ी लग चुकी है, तो फाइनली हम गाड़ी लेके अपने निकल रहे हैं। और हमारे जो चार्ज लगे हैं मैं आपको बता देता हूँ, बिल जो आया है हमारा वो टोटल आया 15,049 रुपए का, और मैंने पे किए हैं 1,008 रुपए लगे हैं मेरे कुल 1,008। तो आपने अगर कम्प्रेहेंसिव और जीरो डेप्थ करा रखा है सिर्फ आपके 1,000 रुपए लगेंगे फाइल चार्ज। अगर आपके आपका इंश्योरेंस कम्प्रेहेंसिव नहीं है तो आपके 1,500 से 500-800 रुपए एक्स्ट्रा लगते। तो अभी चलते हैं घर पे, मैं आ गया था घर पे, लंच वगैरह मैंने कर लिया है, और अभी मैं गाड़ी की जो खिड़की पे नीचे की बिडिंग होती है ना वो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मारुति वालों के पास 3mm की टेप नहीं थी, तो मेरे पास है। तो ये है 3mm की टेप, और एक है ये गैलियो की, ये मैं लेके आया था, इसकी जो क्वालिटी है ना ये बहुत ही बढ़िया है, ये मैं वहाँ से करोल बाग से लेके आया था, ये मैं लगाऊंगा खिड़की वाली बिडिंग पे, और जो डोर वाइजर है उस पे लगा देंगे ये वाली, तो ये काम दे देगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पानी वानी चला जाएगा तो खिड़की गलने लगती है। तो ये मैंने देखो अंदर से जितनी भी रबड़ लगी थी ना सारी इस वाली पत्ती से सारी हटा दी है, साफ कर दी, और इसकी भी देख लो बिल्कुल साफ कर दी। तो अभी इस पे लगा के और फिर आपको दिखाता हूँ, और फिर गाड़ी पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने बीडिंग वगैरह और डोर वाइजर लगा दिया है, ये देखो बीडिंग बिल्कुल प्रॉपर लग गई, कोई गैप वैप नहीं है बिल्कुल, ये देखो एक लाइन में लगा दी, और ये भी मैंने लगा दिया डोर वाइजर भी पूरा, ना हिल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। और आप देखो पहले पेंट बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था, और अब देखो दोबारा मैंने जब पेंट करवाया है रबिंग मरवाने के बाद, कोई बता भी नहीं सकता, ये फेंडर और ये डोर पेंट है। बाकी जो ये क्वालिटी की मैं आपकी आपसे बात करूँ, एक बार गाड़ी खोलते हैं, तो जो ये क्वालिटी है ना, ये सीलिंग वगैरह लगाते हैं जो कंपनी की आती है ना काफ़ी मोटी आती है, ये बिल्कुल हल्की सी लगाते हैं, मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखो ये बिल्कुल है ना हल्की लगाते हैं, और कहीं कहीं तो यहाँ पे ये हटी भी हुई है, तो एक बार दोबारा जाएंगे कंपनी में सर्विस कराने तब करवा देंगे। तो गाड़ी में अभी मिट्टी विट्टी है, इसको साफ करेंगे, ये देखो कितनी मिट्टी है अंदर नट बोल्ट के वहाँ चारों तरफ, बहुत साफ करनी पड़ेगी, धूल मिट्टी है काफी गाड़ी में, तो वो तो ऐसे ही साफ करते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच।